नमो नमः छात्र मित्राणि वागर्थ विव संप्रिक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वराभ्यां नमः। भवतां समेसाम् अस्याम् ई पाठशालायां स्वागतमस्ति। आप सभी विद्यार्थी बंधुओं का ई पाठशाला में स्वागत है। समास के अध्यापन में आज का हमारा विषय है बहुव्रीही समास। बहुव्रीही समास में आज के हमारे बिंदु बहुव्रीही समास तत्र तस्य प्रकारः आदि बहुव्रीही व्यधिकरण बहुव्रीही नय बहुव्रीही स बहुव्रीही एवंच बहुव्रीही समासे विशेष। ये हमारे आज के पाठ्य बिंदु है बहुव्रीही समास। उसके प्रकार प्रभेद जो है व्यधिकरण बहुव्रीही नयी बहुव्रीही सह बहुव्रीही विशेष और प्रादि बहुव्रीही, तो इसके बारे में आज हम इस पाठ में अभ्यास करेंगे। तत्र आदौ प्रकाराः बहुव्रीही समास बहुव्रीही पश्यामश्चेत् बहुव्रीही यस्य सः इति बहुव्रीही समासे एव शब्दे एव बहुव्रीही समासः दृश्यते। बहुव्रीही शब्द में ही बहुव्रीही समास है और इसका सूत्र है अनेकमन्य पदार्थे। अन्य पदस्य अर्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम समस्यते शेषो बहुव्रीही। इस सूत्र से बहुव्रीही समास का अधिकार शुरू होता है और चार्थे द्वंद्व इस सूत्र तक जो समास होते हैं उसकी बहुव्रीही संज्ञा होती है। तो उसमें सूत्रक पड़ा है शेषो बहुव्रीही अर्थात शेष अर्थात उक्ताद अन्य अर्थ शेष जो तत्पुरुष में द्वितीयादि तत्पुरुष समास कहे गए उसमें प्रथमा अनुक्त था तो ज्यादातर प्रथमा प्रथमांत है जो वह बहुव्रीही समास होता है। तो उक्ताद अन्य अर्थ शेष शेष अर्थ में बहुव्रीही समास होता है तो जिसमें प्रथमा विभक्ति शेष रह गई है। यद्यपि कर्मधारय इत्यादि समास में थी लेकिन जैसे द्वितीयादि तत्पुरुष समास थे द्वितीय श्रितातीत तृतीय तत्कृतार्थेन चतुर्थी तदर्थार्थ पंचमी भयेन षष्ठी सप्तमी सौंडेही इत्यादि विशेष सूत्र ही तत्पुरुष है प्रथमा उक्ता न आसीत अतः शेष रूपेण प्रथमा एव अवशिष्यते। तत्र अनेकम अन्य पदार्थे अन्य पदस्य अर्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम समस्यते। बहुव्रीही समास का हमने संक्षिप्त में समझा था अन्य पद पदार्थ प्रधान बहुव्रीही जिसमें न तो पूर्व पद की प्रधानता होती है न उत्तर पद की प्रधानता होती है लेकिन अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीही समास कहते हैं। तो अन्य पद किसे कहते हैं जो क्रिया के द्वारा अभिव्यक्त है उसे ही हम अन्य पद कहेंगे। यह तीनों लिंगों में हो सकता है क्योंकि अन्य पद को उद्देश्य करके यह समास होता है। तो जैसे पीतम अम्बरम यस्य सः पीताम्बरः पीतम अम्बरम यस्य सा पीताम्बरा देवी पीतम च तत् अम्बरम इति पीताम्बरम वस्त्रम। तो इस प्रकार से पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में बहुव्रीही समास होता है और वो उसके भेद इस प्रकार से समानाधिकरण बहुव्रीही व्यधिकरण बहुव्रीही। समानाधिकरण बहुव्रीही समासे द्वयोः अथवा समेषां पदानां सर्वेषां पदानां समानम अधिकरणम अर्थात विभक्ति वचनम समान। समानाधिकरण बहुव्रीही में लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह में विभक्ति वचन समान देखे जाते हैं और जैसे कि पीतम अम्बरम यस्य पीतम में भी प्रथमा एक वचनम अम्बरम में भी प्रथमा एक वचन। तो इस प्रकार दोनों पद में समान विभक्ति वचन है और व्यधिकरण बहुव्रीही समास में विभक्ति वचन में समानता नहीं होती। च
चक्रम पाणव यस्य सह चक्रम इति द्वितीय एक वचनम पाणव इति सप्तमी एक वचनम। तो यहाँ चक्रम यह द्वितीय एक वचन है और पाणव यह सप्तमी एक वचन है, दोनों पद में विभक्तियां अलग अलग है तो इसलिए यह विधिकरण बहुव्रीहि है। तो जहाँ विभक्तियों के समानता होती है वह समानाधिकरण, जहाँ विभक्तियों में भिन्नता होती है वह व्यधिकरण। वैसे इसमें दो प्रकार और है, ऐसा कहते हैं कि तद्गुण सम विज्ञान बहुव्रीहि और अतद्गुण सम विज्ञान बहुव्रीहि। तद्गुण सम विज्ञान बहुव्रीहि अर्थात गुण के साथ, जैसे के लंब कर्ण मानय, तो लंब लंबाय मानो कर्णो यस्य सह अथवा लंब कर्णो यस्य सह, तो लंब कर्ण को लाओ ऐसा कहा तो उसका विशेषण है लंब कर्ण, तो कर्ण उसके साथ में ही रहते हैं, उसके गुण जो कर्ण है उसके उसका विशेषण है लंब, तो जिसके बड़े कान है उसे लाओ तो वह गुण के साथ वह पुरुष आता है, कान उसके साथ ही आते हैं, तो वह गुण के साथ आने से तद्गुण सम विज्ञान बहुव्रीहि कहलाता है। और दूसरा है अतद्गुण सम विज्ञान, जिसमें गुण साथ में नहीं होता है, जैसे दृष्ट सागर मानय, सागर जिसने देखा है उसको लाओ तो उसमें सागर पद है तो सागर को नहीं लाया जाता, लेकिन उस सागर को जिसने देखा है उस व्यक्ति को लाया जाता है। लेकिन उसमें लंब कर्णों में समास में जो विद्यमान कर्ण हाँ गुण है वह साथ में होता है, उसमें जो दृष्ट सागर सागर देखने का गुण जो है वह गुण उस व्यक्ति में निहित होता है, सागर को साथ में लाया जाता नहीं है, तो उसे तद्गुण सम विज्ञान बहुव्रीहि कहते हैं। तो इस प्रकार से तद्गुण सम विज्ञान बहुव्रीहि है और अतद्गुण सम विज्ञान बहुव्रीहि है। तो यह समानाधिकरण में द्वितीय आदि छह विभक्तियों में इसका समास होता है, षट्सु विभक्तिषु अस्य समासः, जैसे द्वितीयायाम आरूढ़ वानर यमसः आरूढ़ वानर वृक्षः, द्वितीय के उदाहरण यहाँ दे रहे हैं ये लौकिक विग्रह आरूढ़ वानर यमसः आरूढ़ वानर वृक्षः। प्राप्तम उदकम यमसः प्राप्तोदकः ग्रामः, यहाँ हम सूत्रों का थोड़ा विमर्श नहीं कर रहे हैं, केवल हम उदाहरण के माध्यम से और नियम के माध्यम से केवल समास को ही समझ रहे हैं उदाहरण के रूप में, रूप से दी को यहाँ हम नहीं देख रहे। तृतीय विभक्ति में यम यम पद से जो हुआ यम सह, यहाँ अब देखिए तृतीय में आरूढ़ यानम ये न आरूढ़ यान पुरुष ये नी ये नीतने विग्रह पठिता विद्या यया सा यया इति तृतीय पठित विद्या महिला जितानी इंद्रियाणि येन सह जितेन्द्रिय येन सह योगी इति। चतुर्थ्याम चतुर्थी में यदि हम देखें तो दत्तम धनम यस्मै यस्मै इति चतुर्थी पदम दत्त धन ब्राह्मण उपहृत पशु यस्मै इति चतुर्थ्यंत उपहृत पशु रुद्र। पंचम्याम निर्गतम बलम यस्मात् निर्बल निर्गतम धनम यस्मात् इति यस्मात् यस्मात् पंचमी। लंबौ कर्ण यस्य इति षष्ठ्यां लंब कर्ण गंधर्व दृढ़ भक्ति यस्य दृढ़ भक्ति भक्त लंबम उदरम यस्य लंबोदर गणेश। सप्तम्यां विराह पुरुषा यस्मिन् इति यस्मिन् इति सप्तम्यं पदम। तो छह विभक्तियों में द्वितीय से लेकर सप्तमी तक वीर पुरुष का ग्राम इस प्रकार से होता है। आगे यदि हम देखें व्यधिकरण बहुव्रीहि में तो व्यधिकरण बहुव्रीहि समासे एकम पदम प्रथमांतम द्वितीयम पदम च षष्ठ्यंतम वा सप्तम्यंतम भवति। जिस प्रकार से चक्रम पाणौ यस्य सह जो प्रथम पद है द्वितीयांत है चक्रम द्वितीय पद जो पाणौ वह सप्तम्यंत है तो चक्रम पाणौ यस्य सह चक्र जिस जिनके हाथ में है जैसे चक्र पाणी चंद्र शेखर यस्य सह चंद्रशेखर मृगस्य नयने इव नयने यस्य आसा मृगनयना नारी मृगस्य नयने इव नयने यस्य आसा मृगनयना नारी वृषस्य स्कंधौ इव स्कंधौ यस्य सह वृषस्कंधः पुरुषः। इति व्यधिकरण बहुव्रीहि हमने देखा कि जहाँ प्रथम और द्वितीय पद में विभक्ति वचन समान नहीं रहते वैसे अन्य भी हमारे लिए अभ्यास है गदा पाणौ यस्य सह पाणिनि गदा पाणौ गदा पाणि कपिध्वजे यस्य सह कपिध्वजः अर्जुनः
चंद्रमौलो यस्य सः चंद्रमौलिः शंकरः विषम कंठे यस्य सः विषकंठः शिवः इत्थमेव अन्यानि उदाहरणे वृषभध्वजे यस्य सः वृषभध्वजः कपिः ध्वजे यस्य सः कपिध्वजः मूषकः ध्वजे यस्य सः गरुडः वाहनम् यस्य सः मूषकः वाहनम् यस्य सः। वो आपके लिए है, आप इनके उदाहरण के दिए हुए विग्रह वाक्य आप समास जोड़ के बनाए इसलिए यहाँ दिया है। सिंह वाहनम यस्य सः सिंह वाहन मयूर वाहन के लिए आप बनाए। कुष्ट वाहनम यस्य सः कुक्कट वाहनम यस्य सः इसके उदाहरण आप बनाए और आप भी अभ्यास करें। एक नई बहुव्रीहि समास का प्रकार है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। नई के जो सर अर्थ है इसमें नई बहुव्रीहि समास होता है। अविद्यमान पुत्र यस्य सः जिसका पुत्र विद्यमान नहीं है वह अपुत्र नास्ति पुत्रम यस्य सः इति न अविद्यमान पुत्र यस्य सः इति अत्र वैसे छह भेद बताए उसमें वो भी आ सकता है। अविद्यमान धनम यस्य सः अधन नास्ति शक्ति यस्य सः अशक्त न पुत्र इति अपुत्र तत्तु तत्पुरुष समास इति नहीं बहुव्रीहि समास। सह बहुव्रीहि सहयोग्य बहुव्रीहि समास यथा सहयोग्य सहस्यति इति तो अस्ति एव अग्रजेन सह इति साग्रज राधिकया सह इति सराधिक कृष्ण अन्य पुरुषस्य अत्र अर्थः भवति सीतया सह ससीतः रामः लक्ष्म्या सह सलक्ष्मीकः विष्णुः सलक्ष्मीकः इति पदेन विष्णु इति बोधः भवति पत्न्या सह सपत्नीकः पतिः एवमेव पुत्रेण सह सपुत्रः सकुटुम्बः सकर्मकः सधर्मकः इत्यादीनि उदाहरणानि अस्माभिः ज्ञेयानि। अग्रे च अस्ति प्रादि बहुव्रीहि प्रादि बहुव्रीहौ प्रथमं पदं प्रप्र इत्यादि उपसर्गेषु भवति अन्य पदस्य अर्थः भवति चेत् प्रादि बहुव्रीहि इति उच्यते। प्रपतितः परणः प्रपर्णः निर्गतं भयं यस्मात् सः निर्भयः दशानां समीपे ये सन्ति ते उपदशाः विंशतेः समीपे ये सन्ति ते उपविंशाः एवमेव अन्यानि उदाहरणानि निर्दयः निरपत्यः निष्करुणः उपत्रिंशाः इत्यस्माभिः ज्ञेयानि। प्रतिहार बहुव्रीहि इति केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदं युद्धं प्रवृत्तम् इति केशा केशी दण्डैः दण्डैः प्रहृत्य इदं युद्धं प्रवृत्तम् इति दंडा दंडी आगे है। संख्या बहुव्रीहि उसमें विशेष है द्वयो वा त्रयो वा इति द्वित्राः जनाः त्रयो वा चत्वारो वा इति त्रिचतुराः जनाः। बहुव्रीहि समास में कश्चित् विशेषः इसमें विशेष यह है कि समानादि गौरण बहुव्रीहि समास में प्रथम शब्द भाषित पुंस अर्थात पुंलिंग में आया हुआ हो और उकारांत न हो तब द्वितीय शब्द यदि जो द्वितीय पद में शब्द है वह स्त्रीलिंग तो प्रथम शब्द को पुंवद भाव यानी पुल्लिंग के समान वह हो जाता है नहीं हो स्त्रीलिंग होते हुए भी वह पुल्लिंग हो जाता है उकारांत नहीं होना चाहिए। जैसे रूपवती भार्या यस्य सः तो रूपवती यह पद जो है रूपवती यह प्रथम पद है भार्या वो स्त्रीलिंग में है द्वितीय शब्द उकारांत भी नहीं है तो प्रथम शब्द है वो भाषित पुंस का है क्योंकि वह पुल्लिंग में भी आता है तो उसको पुंवद भाव हो जाएगा। यहाँ सूत्र है स्त्रियः पुंवद भाषिक उसका धनु समानाधिकरण है स्त्रियम अपूर्णी प्रियादिश इस प्रकार का एक सूत्र है जिसके द्वारा पुंवद भाव होता है स्त्रियः पुंवद भाषित पुंस का धनु समानाधिकरण है स्त्रियम अपूर्णी प्रियादिश। उकारांत रहित भाषित पुंस का शब्द यानी पुल्लिंग में आया हुआ हो तो ऐसे रूपवान तो तीनों लिंग में होता है रूपवान रूपवती और रूपवत तो पुल्लिंग में भी आता है तो इसलिए यहाँ उसको पुंवद भाव हो गया तो रूपवत भार्यः तो इस प्रकार से रूपवत हुआ। चित्राः गावः यस्य सः तो यहाँ चित्रगुः यहाँ भी चित्र हुआ और तो वह अर्थ होता है गोभ अत्र चित्रा इति भाषेषु पुंस्कः अस्ति अतः पुंवद भाव होती किंतु पूर्णार्थक प्रत्ययान्तानां लेकिन जो पूर्णार्थक प्रत्यय होते हैं पूर्णार्थक प्रत्यय होते हैं तस्य पूर्णे डट और मट मट इत्यादि प्रत्ययों से डट मट प्रत्यय होते हैं तो इसका उदाहरण है पंचमी भार्या तो पंचम जो शब्द है उससे मट प्रत्यय होकर के पूर्णार्थक में पंचम और स्त्रीलिंग तो पंचमी बनता है तो वो भाषित पुंस्क होने के बावजूद पूर्णार्थक प्रत्यय से निष्पन्न होने के कारण
वहां कुंभद भाव नहीं होता है। प्रियादि गण में पठित शब्दों से भी कुंभद भाव नहीं होता है। तो यहाँ पंचमी भार्य में कुंभद भाव नहीं हुआ, सुकेशी भार्य में भी कुंभद भाव नहीं हुआ, ये हमें जानना चाहिए। आगे इसमें विशेष यह है कि यदि बहुव्रीहि समासस्य अन्ते इकारान्तः शब्दः अथवा स्त्रीलिंगस्य इकारान्तः शब्द अथवा उकारान्तः शब्द भवेत् तर्हि कप् प्रत्यय भवति। बहुव्रीहि समास के अंत में यदि ऋकारान्त शब्द हो अथवा स्त्रीलिंग का इकारान्त शब्द अथवा उकारान्त शब्द हो तो उससे कप् प्रत्यय यानी क प्रत्यय होता है, तो कह ऐसा बनता है। ईश्वर कर्ता यस्य सः ऋकारान्त शब्द कर्त्री तो हो जाएगा ईश्वर कर्त्री कह। सुंदरी वधु यस्य सः वधु इति उकारान्त स्त्रीलिंग शब्द है तो कप् प्रत्यय होकर के समासांत पद में ना सुंदर वधु कह। रूपवती स्त्री यस्य सः तो स्त्री इकारान्त स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए रूपवत स्त्री कह। उद्गत गंध यस्य सः उद्गंधि सुष्टु गंध यस्य सः सुगंधि। तो इस प्रकार से यह बहुव्रीहि समास में विशेष जानना चाहिए। उसमें भी है शोभना दंता अभ्यास के लिए है, शोभना दंता यस्य सः सुदति और उन्नता नासिका यस्य सः उन्नशा यस्य सः उन्नशा। इस प्रकार से बहुव्रीहि समास में संक्षिप्त में हमने जाना। विशेष शास्त्रीय पद्धति से सूत्रों का अर्थ के सूत्रों के अर्थ के साथ ये सभी समास होते हैं, तो सूत्रार्थ के साथ भी हमें समझने चाहिए। जिसमें विशेष अलद दंता सप्तम यहाँ संज्ञा उसमें सप्तमी का अलुक होता है और कंठे कालह यस्य सः हलंतात अदंतात च सप्तमी अलुक सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं होता है तो उसमें रूप था कंठे काल यस्य सः कंठे कालह। एवं प्रकारेण संक्षिप्त रूपेण बहुव्रीहि समास विख्यात व्याख्या कृता अस्मभि। तो अग्रे आगामी पाठे वयम् द्वंद्व समास से अभ्यासं विशेष रूपेण करिष्यामः। अत्र केवलं पाठानां निदर्शनं क्रियते। अस्तु तावत् नमो नमः ओम। इति आगामी पाठे।